कानपुर नगर सर्फ साबुन व कॉस्मेटिक के सामान अब गन्ने की खोई से तैयार किए जाएंगे। यह जानकारी राष्ट्रीय शंकरा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर महेंद्र कुमार यादव ने दी। उन्होंने बताया कि उनकी टीम काफी दिनों से गन्ने की खोई के इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए शोध कर रही थी, जो कि अब पूरा हो गया है। अभी तक यह सारे सामान पेट्रोलियम पदार्थ को मिश्रित करके तैयार किए जाते थे, लेकिन अब गन्ने की खोई से इन्हें तैयार किया जाएगा। गन्ने की खोई से तैयार होने वाले सभी उत्पाद हानिकारक नहीं होंगे। वार्ता में मौजूद डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव ने बताया कि वॉशिंग पाउडर को तैयार करने में 10% लगेगा, जबकि कॉस्मेटिक के सामान में इस्तेमाल करने में 1% का इस्तेमाल किया जाएगा। आज किस चीज को लेकर के प्रेस वार्ता रखी? देखिए, आज एक और उपलब्धि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के खाते में आई है, और हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवीजन में जो हमारे जो रिसर्च फेलो थी और उनके जो गाइड थे अनुष्का कनौडिया और गाइड विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव, उन्होंने पैगास से गन्ने की खोई से एक सर्फेक्टेंट तैयार करा था और उसके पेटेंट के लिए आवेदन किया था, तो वो आवेदन जो था वो मंजूर हुआ और संस्थान को गन्ने की खोई से सर्फेक्टेंट की जो तकनीक है उसके लिए पेटेंट प्राप्त हो गया है। इस सर्फेक्टेंट जो बना है ये मैं आपको बताऊं कि जो अभी जो बाज़ार में जो सर्फेक्टेंट जो मौजूद हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं विकल्प के तौर पे, वो पेट्रोलियम पदार्थों से बनते हैं, जबकि ये जो सर्फेक्टेंट बना है ये सर्फेक्टेंट गन्ने की खोई से बना हुआ है, तो ये एक बायो ओरिजिन का है, इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी है और ये स्किन फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ये एक जटिल प्रक्रिया थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके लिए कि दोनों स्कॉलर्स ने और गाइड ने बड़ी संयमतापूर्वक लगभग 3 से ज़्यादा वर्ष तक काम किया और उसके बाद इस सर्फेक्टेंट को ड्राइव करने में अपना सफलता प्राप्त की। गन्ने की खोई में 3 चीज़ें होती हैं, हेमी सेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, तो उसमें से जो हेमी सेलुलोज होता है उससे इन्होंने इस सर्फेक्टेंट को बनाया है। बाज़ार में जो पेट्रोलियम पदार्थों से बने हुए सर्फेक्टेंट जो हैं, जो कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, उनकी कीमत 180 रुपए किलो से लेकर 250 रुपए किलो तक है। चूँकि हमारे को लगभग इसकी यील्ड गन्ने की खोई में 10 से लेकर 15% तक मिली है, और चूँकि गन्ने की खोई का दाम काफ़ी सस्ता होता है, 2 से लेकर 250 रुपये किलो तक होता है, तो मैं समझता हूं कि जो पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित जो सर्फेक्टेंट हैं वो बाज़ार में जिन कीमतों पर मिल रहा है उससे लगभग 1/3 कीमत पर हम एक अच्छा उत्पाद जो है वो देश के सामने ला पाएंगे और इसको आगे ले जा पाएंगे। तो 1/3 कीमत पर एक पेट्रोलियम पदार्थों से जो सर्फेक्टेंट है उसकी जगह पे एक बायो ओरिजिन का सर्फेक्टेंट कम कीमत पे देश के समक्ष होगा। तो पहला तो हमारा बिंदु आज ये था। दूसरा ये है कि हम 23 तारीख को एक संस्थान में प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कि संस्थान के 15 पूर्व छात्रों को शंकराश्री की उपाधि से विभूषित किया जाएगा, और 23 तारीख को जो ये 15 पूर्व छात्र होंगे उन्होंने देश के चीनी और अल्कोहल उद्योग की बेहतरी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारी माननीय जो राज्य मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, वो और कुलपति HBTU दोनों इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि के तौर पर आएंगे, और एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें कि सभी की सहभागिता होगी। तो इस कार्यक्रम के लिए भी हमारे पूर्व छात्रों के अतिरिक्त जो वर्तमान छात्र हैं वो इस कार्यक्रम में 23 तारीख को सुबह 9:30 बजे से शिरकत करेंगे।